हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिशी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत से शुगर सिरप्स जो कि आपके डार्क लिप्स को पिंकिश बना देंगे और विंटर में इसको मॉइस्चराइज रखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी तो फर्स्ट वन पे जो हमारे पास स्क्रब है वो है ऑलिव ऑयल स्क्रब, और इसको हमने बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो 2 टेबलस्पून हमने इसमें लेनी है ब्राउन शुगर। ठीक है, ब्राउन शुगर जो होती है वो स्क्रबिंग के लिए बहुत ही बेस्ट रहती है, सॉफ्टली तरीके से आपका स्क्रब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है 1 टीस्पून या टेबलस्पून कर लें आप एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। ठीक है, वो हमने लेना है। उसके बाद फिर हमने ऑलिव ऑयल जो होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है, नेचुरल कंडीशनर होता है एक तरह से, और एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है चैप्ड और इरीटेट लिप्स को। ठीक है, इसके बाद हमने जो थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा वो है हनी। ठीक है, हनी नेचुरली मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, लिप्स के लिए ले रहे हैं, लिप्स को मॉइस्चराइज करेगा। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखें मैं यहाँ पे आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में निकाल के रख लेना है। 1 से 2 वीक्स आराम से आपके निकल जाएंगे। ठीक है, और देखिए कितना अच्छा ये बन गया स्क्रब, मैं आपको दिखा रही हूँ। सेकेंड जो स्क्रब है हमारे पास है वो लेमोनेड लिप स्क्रब। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो है 2 टेबलस्पून आपने वाइट शुगर ले लेनी है, उसको क्रश कर लेना है। ठीक है, क्रश करके यूज़ करना है, ऐसे यूज़ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसमें जाएगी वैज़लीन। वैज़लीन आप कोई सी भी ले सकते हैं, रेगुलर ले सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी, वो हमने 1/2 टीस्पून आपने इसमें वैज़लीन लेनी। वैज़लीन जो है वो लिप्स को हमारे मॉइस्चराइज करेगी, बेसिकली इसका यही मकसद होता है। उसके बाद जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है लेमन, वो इसमें अब जाएगा। ठीक है जी, लेमन जूस जो होता है वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, और एक्सफोलिएट करता है हमारे डेड सेल्स को और न्यू और फ्रेश स्किन ले आता है। ठीक है, सो ये हम 1/2 कट कर लेना है। ठीक है जी, तो उसके बाद इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, मिक्स करके ये देखें मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसको अपने लिप्स पर स्क्रबिंग करें। बहुत ही बेस्ट है ये स्क्रब, मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करती रही हूँ और बहुत सॉफ्ट आपके लिप्स को बना देगा। ठीक है जी, थर्ड जो है स्क्रब हमारे पास है आलमंड ऑयल स्क्रब। ठीक है, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ब्राउन शुगर हमें लेनी है 2 टेबलस्पून। ठीक है, ब्राउन शुगर लेनी है और उसके बाद हमने इसमें हनी लेना है। हनी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर जो हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है वो आप जानते ही हैं, आलमंड ऑयल। ठीक है जी, आलमंड ऑयल ये लेना है, 1 टीस्पून लेना है तकरीबन। ठीक है जी, उसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। आलमंड ऑयल जो है वो भी बेस्ट है हमारे स्किन के लिए और लिप्स के लिए भी, ये हमारे रिजुनेट करता है सेल्स को और लिप्स को बचाता है चैप्ड होने से। ठीक है, तो इसको हम रेगुलर बेसिस पर आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, इसको मिक्स करें। इसको बताती हूँ यूज़ कैसे करना है। आपने लेना है इसको, ठीक है, इस तरह से लेना है और अपने लिप्स पर
ऐसे स्क्रब करना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, किसी तरह से भी कर सकते हैं। 1 to 2 मिनट्स आपने स्क्रबिंग करनी है इसकी, अच्छे तरीके से स्क्रब करना है और अच्छे से इसको वेट टॉवल से आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है। धोना नहीं है, वेट टॉवल से इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मेरी न्यू वीडियो के लिए, ठीक है जी। ये तीनों स्क्रब आपके सामने, इनको आपने एयर टाइट जार कंटेनर में रखना है, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह।